अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर और आपको दस्तक टीवी में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन कराम, नए आने वाले मौजूद दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। नाज़रीन कराम, पाक फ़ौज का सबसे छोटा हथियार हत्फ 9, जो अपने हमराह दुनिया का सबसे छोटा एटम बम लेकर उड़ेगा और भारत के चंद मिनट्स में परखच्चे उड़ा देगा। हत्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार का नाम है और हत्फ सीरीज ही पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की असल बुनियाद है। हत्फ 9 यानी नसर मिसाइल कोल्ड स्टार डिक्ट्राइन पास पाकिस्तान का नसर मिसाइल शमशीर हैदरी साबित होगा इंशाअल्लाह। भारत की मौत हत्फ 9 नसर मिसाइल जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की तलवार मुशरिकीन के गदरों पर चलती थी तो आपकी तलवार के एक ही वार से मुशरिकीन के सर तन से जुदा हो जाते थे और आप अलैहिस्सलाम की तलवार की लंबाई 1 गज थी। जब कभी हत्फ 9 नसर मिसाइल को मुशरिकीन पर चलाना पड़ा तो ये 40 से 65 किलोमीटर की प्रवास के बाद सैकड़ों हजारों और लाखों मुशरिकीन को राख का ढेर बना देगा। अगरचे ये दुनिया का सबसे छोटा मिसाइल है जो दुनिया का छोटा एटम बम अपने हमराह लेकर उड़ सकता है। दर हकीकत भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियां 3 दहाइयों से कर रहा है। इस हमले के लिए भारत ने एक स्पेशल अटैकिंग स्ट्रेटजी तैयार की हुई है जिसको वो कोल्ड स्टार डिक्ट्राइन का नाम देते हैं। इस स्ट्रेटजी में भारत ने लगभग 90 अरब डॉलर का खर्चा किया है। अलावा 9 लाख सिपाहियों को खसूसी ट्रेनिंग भी दी गई है। भारत की इस स्ट्रेटजी में हजारों जदीद टैंक और इतने ही एडवांस तैयारे हैं और भरपूर जंगी मशीनरी भारत ने खरीदी हुई है जो पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म के खतरे से कम नहीं हो सकती। भारत ने ये सारी मशीनरी पाकिस्तानी बॉर्डर से 70 किलोमीटर के फासले पर नस्ब की थी ताकि बहुत कम अरसा में किसी भी वक्त हमला कर सके। 70 किलोमीटर पर नस्ब करने की दूसरी वजह यह भी थी कि पाकिस्तान का कोई एटम बम इसको तबाह न कर सके क्योंकि इतनी कम रेंज का एटम बम होता ही नहीं। नाज़रीन कराम, भारत की कोल्ड स्टार डिक्ट्राइन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। अगर इसको तबाह ना किया गया तो पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं कि हमारा असला भारत की डिक्ट्राइन का 10% भी मुकाबला कर सके। लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाए अल्लाह पाक ने इस मुल्क पे अपना खसूसी खरम किया है कि पाकिस्तान ने एक शाहकार तैयार किया जिसका नाम नसर रखा गया। यह दुनिया का सबसे छोटा मिसाइल है और रेंज 40 से 70 किलोमीटर है। इस एक मिसाइल ने भारत की पूरी डिक्ट्राइन को नकारा बना दिया है। ये मिसाइल सिर्फ 5 मिनट के अंदर भारत की पूरी कोल्ड स्टार डिक्ट्राइन को नेस्तो नबूद कर सकता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला एटम बम इतना छोटा है कि इसको तोप से भी लॉन्च किया जा सकता है। एटम बम को चलाने के लिए यूरेनियम की एक बहुत बड़ी मिकदार चाहिए होती है, लेकिन पाकिस्तानी साइंसदानों ने सबसे छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर दुनिया को सरप्राइज दे दिया। नसर मिसाइल ने भारत के कोल्ड स्टार्ट के गुरू को खाक में मिला दिया। अब नसर से बचने के लिए भारत को कोल्ड स्टार्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से कम अज़ कम 100 किलोमीटर पीछे रखनी पड़ेगी। अगर ये हालत जंग में ज़रा सा भी आ गया है तो नसर की जद में आ जाएगा। नसर वैद मिसाइल होगा जो जंग में ऐसे चलेगा जैसे आम रवायती बम चलते हैं, लेकिन इसकी तबाही रवायती बमों से कहीं ज़्यादा है। अगर भारत कोल्ड स्टार डिक्ट्राइन के जरिए हमला आवर हुआ तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं होगा इसको चलाए बगैर। अगर मोदी नसर मिसाइल के बारे में मुकम्मल तौर पे जान ले तो रहती दुनिया तक कभी पाकिस्तान में हमला करने की गलती से भी गलती ना करेगा। नसर मिसाइल की सबसे बड़ी खसूसियात यह है कि यह इतना छोटा है कि F-16 और JF-17 थंडर में भी नस्ब हो जाता है। जब हम तैयारे पे मिसाइल लेकर इंडिया में दाखिल होंगे तो इंडिया का नक्शा मिटा कर ही वापस आएंगे। इंशाल्लाह भारत के पास ऐसा कोई भी एटमी मिसाइल नहीं जो किसी तैयारे में फिट हो सके। नसर 1 किलोमीटर से भी कम बुलंदी से प्रवास कर सकता है, इसलिए भारत इसको इंशाल्लाह नकारा भी नहीं बना सकेगा। नसर पाकिस्तान की फतह है और पाकिस्तान का फख्र है। नसर का तोड़ भारत के पास नहीं और अकेला नसर पूरे भारत की मौत है इंशाल्लाह। नाज़रीन कराम, आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है रमज़ानुल मुबारक के मोहतरम महीने के सदके तमाम आलम इस्लाम बिलखसूस पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है
पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त।